दोस्तों मेरी प्यारी प्यारी बहनों, डिप्रेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन। आई रिपीट, डिप्रेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन। डिप्रेशन वो चीज़ है जो आपको उदास, मायूस और दुखी रखती है काफ़ी लंबे टाइम तक। काफ़ी लंबे टाइम से मेरा मतलब है 6 महीने और 1 साल, 2 साल ऐसा। तो बंदे को पता लगाने के लिए कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं है, या वो डिप्रेशन में है या नहीं, तो पहला डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब मन के किसी कोने में वो मायूस है, दुखी है। दूसरा डार्क मूड, मतलब वो ब्राइट मूड के जरा वो डार्क मूड में है, वो डल डल फील कर रहा है, लो लो फील कर रहा है। फीलिंग ऑफ वर्दीनेस और होपलेस, होपलेस का मतलब यार जो काम में से हो नहीं रहा। ये एपेटाइट चेंजेस, जो 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 बंदा पहले 80% खाता था अभी वो 90% खाता है, नहीं पहले वो पन सॉरी 90% खाता था, अभी वो बंदा 10% खाता है। ये और स्लीप चेंजेस, पहले वो 10 बजे सोता था, अभी वो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता है या उसको नींद आती ही नहीं। और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी का मतलब पहले वो बंदा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में रहता था, अभी वो बंदा लो 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 एनर्जी में रहता है। और इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान नहीं लगा पा रहा। डिफिकल्टी गोइंग थ्रू गेटिंग थ्रू योर नॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे आप नीचे खेलने जाते थे, PS2 खेलते थे, वो नहीं खेल पा रहे आप। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स यू नीड टू इंजॉय, मतलब जो आप डेली लाइफ में इंजॉय करते थे वो नहीं कर पा रहे। विदड्रॉइंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के साथ लड़ाई करते थे। और प्रीकॉश प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ और थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, मतलब आपको ये वो आपको ये लग रहा है कि आप अपनी नस काट लोगे या पंखे से लग टक जाओगे, ऐसी फीलिंग आना कि ये अब मेरे साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये होता है। डिप्रेशन के 9 टाइप होते हैं, ये मैं आपको धीरे 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 बताऊंगा इसी वीडियो में। तो डिप्रेशन में सबसे पहला आता है मेजर डिप्रेशन, जिसके सिम्टम्स हैं डिस्पोंडेंसी, पहला स्लीपिंग टू मच, जैसे हम लोग सोते हैं 1 से 6 घंटे, बंदा सोता है 1 से 8 घंटे, तो वो कुछ ज़्यादा हो गया, तो वो भी डिप्रेशन में ही होता है। लैक ऑफ एनर्जी एज ऑलवेज, कि लो जा रहा था अभी, मतलब हाई जा रहा था, लो हो गई है एनर्जी। और लूज ऑफ एपेटाइट और ओवर ईटिंग, या तो वो कम खा रहा है या तो वो ज़्यादा खा रहा है। एक्सपेंडेड एक एंड पेन, जैसे आप जिम नहीं गए, जिम मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो जिम नहीं गए, और आपका जो पेन है वो आप किसी को बता नहीं सकते, तो ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मली पेरिशेबल सॉरी प्लेजेबल एक्टिविटी, मतलब जो आपको आराम दे, जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको एंजॉय करे, वो उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाना। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एज ऑलवेज, ध्यान नहीं लगाना पढ़ाई लिखाई में। फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, कि अब में से कुछ नहीं होगा। कंस्टेंट वरी, बार बार सोचना बार बार सोचना। और सबसे महत्वपूर्ण थॉट ऑफ डेथ, कि मेरे को मरना है, मेरे को मरना है, ये लास्ट है, ये मेजर है। और सेल्फ हार्म, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो सेल्फ हार्म में। और हाँ, सुसाइड, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा आता है प्रीसिस्टेंट डिप्रेशन, इसके सिम्टम्स हैं, ध्यान से सुन, इसके सिम्टम्स हैं
डीप सैडनेस, मतलब मन के किसी कोने में आपके दुख ही दुख, मायूस ही मायूस। दूसरा सेल्फ इस्टीम और फीलिंग ऑफ इनकंसिस्टेंसी, मतलब लो आत्मविश्वास। तीसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स यू वंस एंजॉय, मतलब जैसे आप फुटबॉल या क्रिकेट या फीफा या कुछ भी खेलते थे, उसमें आप में आपने इंटरेस्ट खो दिया, तो ये भी है डिप्रेशन के साथ। एपिटाइट चेंजेस, पहले आप खाने खाते थे 80%, अब खाने खा रहे हो 0%, तो ये भी। और चेंजेस टू स्लीप पैटर्न और लो एनर्जी, मतलब रात को बिल्कुल भी नींद ना आना, और कंसंट्रेशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम, जैसे बात बात में बातें भूल जाना और किसी दुनिया में चले जाना, मतलब फिजिकली आप वहीं पे हो, मेंटली कहीं और हो ये। और डिफिकल्टी फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क, मतलब डिफिकल्टी आना फंक्शनिंग में स्कूल और काम की जगह में ऑफिस में, और इंटरेबिलिटी टू फील जॉय इवन एट हैप्पी ओकेजन, मतलब आपकी जब फेक स्माइल आती है तब। सोशल विदड्रॉल, मतलब सोशल मीडिया में लड़ाई कर लेना। अब आते हैं तीसरे पे, यानी मैनिक डिप्रेशन। तो मैनिक डिप्रेशन में है पहला सिम्टम्स एम्प्टीनेस, अंदर से खाली हो जाना। दूसरा लैक ऑफ एनर्जी, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाना। फैटिग हुई यार, गूगल कर लेना, मेरे को नहीं पता। स्लीप प्रॉब्लम, अगेन नींद ना आना। ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, अगेन ध्यान ना लग पाना। और डिक्रीज एक्टिविटी, मतलब जो आप एक्टिविटी करते थे उसको कम, उसके ऑटोमेटिकली कम हो जाना। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटी, मतलब जो आपकी फॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें लो इंटरेस्ट दिखाना। और अंत में तो पता ही है, सुसाइडल थॉट, बिल्कुल भी नहीं, सुसाइड नहीं करना। और हाँ, साइन ऑफ मैनिक फेज इंक्लूड हाई एनर्जी, पहला रिड्यूस स्लीप, इंटरबिलिटी, रेसिंग थ्रू एंड स्पीच, सॉरी रेसिंग थॉट एंड स्पीच, ग्रैंडियोज थिंकिंग, इंक्रीज सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंट। और दो है अनयूजुअल रिस्की एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, मतलब अपने आप को तबाह करने की सोच या बिहेवियर। फीलिंग हाई डिप्रेसिव साइकोफेस पे, इसके सिम्टम्स है सिर्फ दो। प्रॉब्लम सिटिंग स्टिल, मतलब जैसे आप ध्यान लगा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो टीचर कहती है ना कि बेटा बैकबोन सीधी, तो आप बैकबोन को ऐसे नहीं कर पा रहे, ऐसे कर रहे हो, मतलब हाँ ऐसे ही कर रहे हो। पहला स्लो स्लोड फिजिकल मूवमेंट, मतलब जैसे आप फिजिकली मूवमेंट जो कि आपकी हाई होनी चाहिए वो स्लो हो रही है। अब आते हैं पीएमडीडी के आसार पे, यानी सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले सिस्टम है क्रैम्प या ब्लोटिंग, मतलब क्रैम्प का मतलब क्या होता है कि पेन होना, ब्लोटिंग मतलब पेट बाहर आना। दूसरा है हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द, हम सबको पता है आई नो। जॉइंट एंड मसल पेन, और जैसे घुटने का दर्द, मतलब किसी भी जॉइंट का दर्द और मसल पेन। सैडनेस एंड डिसपेयर, सैडनेस मतलब मायूसी या गायब। फिर आता है एंगर, मतलब गुस्सा। और एक्सट्रीमली मूड स्विंग्स, मतलब मूड स्विंग्स होना वो भी आउट ऑफ द लेवल वाले।
एक सेकंड में हंसने भरे, एक सेकंड में रोना, एक सेकंड में दुख, एक सेकंड में कहीं और फूड क्रेविंग। और फूड क्रेविंग यार भूखपन, पैनिक अटैक की, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी। एज ऑलवेज बताया था मैंने कि हाई जा रही थी आपकी एनर्जी, लो हो गई, और ध्यान नहीं लगा पा रहे। जैसे कि कैसे समझाऊँ, हाँ जैसे आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, तो ये। और फिर आता है स्लीप प्रॉब्लम, सो ही नहीं पाए रात को। तो ये है कुछ सिम्टम्स PMDD के। अब आते हैं सात पे, मतलब सीजनल डिप्रेशन। तो सीजनल डिप्रेशन के हैं चार सिम्टम्स, और सिम्टम नंबर वन सोशल विदड्रॉ, बताया था आपको। इंक्रीज नीड फॉर स्लीप, मतलब जैसे आप 6 घंटे सोए, आपको और घंटे की नींद चाहिए, जैसे 2 और घंटे की नींद चाहिए। वेट गेन, मतलब आप पहले 60 थे, 70 हो गए। डेली फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस और अनवर्दीनेस। सैडनेस का मतलब ये है कि मायूस होना, होपलेसनेस का मतलब है कि कोई आसान नहीं है आपके, और अनवर्दीनेस का ये मतलब है कि आप वो चीज़ वर्थ भी करते हो कि नहीं, जो आप कर रहे हो, जो आपका फील्ड है, जो आपकी करियर है, वो आप अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो चौथा पॉइंट ये कहता है। तो अब आते हैं सिचुएशन डिप्रेशन पे। इसके भी कुछ ही वो है, आसार है। आसार नंबर वन, डेथ ऑफ द लव वन, मतलब जैसे आपके फैमिली में कोई आपका करीबी एक्सपायर्ड हो गया, सॉरी अबाउट दैट। एंड सीरियस इलनेस, मतलब पैरालाइज। गोइंग थ्रू डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी इशू, आपके मैरिज पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है और आप डिवोर्स फेस कर रहे हो। और बीइंग इन इमोशनली और फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप, मतलब उस रिलेशनशिप के मुकाम पे आ गए हो जो आपको फिजिकली भी मैं वो कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और इमोशनली भी इफेक्ट कर रहा है, और आपको गाली गलौज भी कर रहा है आपके साथ। और हाँ, बीइंग अनएम्प्लॉयड और फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब लंबे टाइम से आपको काम नहीं मिला, आप बेरोजगार हो। और सबसे आखिरी, फेसिंग एक्सटेंसिव लीगल ट्रबल, मतलब आप आपकी ऐसी हालत हो गई है कि आपका जो ट्रबल है वो एक्सटेंसिव लेवल में हो चुका है। तो ये कहता है आखिरी पॉइंट। फिर आता है अटिपिकल डिप्रेशन, ये है लास्ट। तो अटिपिकल डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है वो इजी है, कोई भी पता लगा लेगा, फिर भी बता रहा हूँ। वेट गेन, मतलब आपका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। डिसऑर्डर ईटिंग, मतलब बिना किसी वक्त पे, बिना किसी टाइम पे आप खाना खा रहे हो। पुअर बॉडी इमेज, पहले आप स्लिम थे, बी से बैक थी, अब आपकी कोई भी नहीं है, अब आप जीरो फिगर हो, मतलब जीरो फिगर एज इन मोटे हो। स्लीपिंग मच मोर देन यूजुअल, मतलब पहले से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सो रहे हो। फिर आता है इनसोमिया, यार इसका मतलब यार मेरे को भी नहीं पता, गूगल कर देना और मेरे को भी बता देना। और फिर आता हैवीनेस इन योर आर्म और लेग, देन लास्ट एन आ और मोर देन अ डे,
मतलब आपके हाथ में और पैर में ऐसा दर्द होना कि वो दर्द घंटे के लिए भी हो सकता है और एक दिन के लिए भी हो सकता है। और फीलिंग रिजेक्शन का मतलब कि आपको तो पता ही है कि आप इंटरव्यू में गए और किसी बात से आप रिजेक्ट होके आ गए, तो ये और पेन मतलब दर्द ही दर्द, ये है अटिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, भाई हो या बहन हो, मेरी बहन हो या मेरे भाई हो, डिप्रेशन में हो तो कुछ भी हो जाए सुसाइड मत करना, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके मॉम डैड का, आपके घर वालों का, आपके चाहने वालों का क्या हाल होगा आपको नहीं पता। तो कुछ भी हो जाए ये मत करना, सुसाइड मत करना। मैं फिर भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ये नीचे आ रहा होगा, तो वहाँ पे मैसेज करो और बताओ कि आपको डिप्रेशन है, वो आपकी मदद करेंगे कैसे आप लड़ो जीतो और नई दुनिया में आपका स्वागत हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर बिना मत जाना, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ 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 कहीं तो आ रहा होगा, दबा के जाना ताकि मेरे को भी पता लगे कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। थैंक यू।